आइए सेक्शन नंबर 25, जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ है। अरे जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक बार और बोलो। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप कैसे मिला भाई? बाय पजेशन एंड नॉट बाय टाइटल। बताऊंगा इसका मतलब, मतलब आपका टाइटल नहीं है, टाइटल का मतलब ओनरशिप नहीं है, लेकिन सिर्फ पजेशन है, लेकिन पजेशन से ही आप ओनर बन गए। बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ऐसे हल्की फल्की बातें उड़ती रहती हैं, कोई किराएदार 12 साल रह जाए तो मकान मालिक बन जाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। कितना साल? 10 साल। कहाँ, कौन बोला 10 साल? अच्छा 10 साल, 12 साल, अच्छा अच्छा 11 साल, अच्छा अच्छा बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है ना। ये बातें उड़ती उड़ती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो अलग है, वो अलग है। एक्चुअली क्या है ये इजमेंट, इजमेंट का मतलब एंजॉयमेंट, इजमेंट का मतलब एंजॉयमेंट। अब तुम जल्दी से इसको पढ़ जाओ, नॉर्मल लोगों के लिए 20 साल है, सरकार के लिए 30 साल है। अब समझना इसका मतलब क्या है, इधर देखो, मालूम चला ये देखिए, ये दो जमीन का टुकड़ा है, ये देखो ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा आप, एक आदमी ने यहां घर बनाया, एक आदमी ने यहां घर बनाया ठीक है, और घर बनाने के बाद ये मेन रोड है, तो मेन रोड से रास्ता ये ऐसे निकाला, तो कुछ रास्ता इसके इसके अपने जमीन पे है, कुछ रास्ता इसका दूसरे के जमीन पे है, और दूसरे के जमीन पे जिस पर रास्ता ले लिया है उसने इसको कुछ बोला नहीं, और कितने साल तक नहीं बोला? 20 साल तक। तो याद रखना, 20 साल के बाद अब ये जमीन वाला इस रास्ते को रोक नहीं सकता। ये समझ में आया? 20 साल है। अच्छा ये सरकारी जमीन होता तो 30 साल। सरकार बहुत तेज है, सरकार का नहीं, कहा सरकार को खुद मालूम है कि हम सोए रहते हैं। सरकारी जमीन पे देखते हो लोग जिंदगी निकाल देते हैं सरकारी जमीन पे, और सब कुछ नहीं होता है। अरे हमारे शहर में तो रेलवे के जमीन पे मार्केट बना हुआ है, और बना ही हुआ है, मतलब मैं बचपन से देख रहा हूं, मैं इतने एज का हो गया और तो भी अभी तक कुछ नहीं, आज तक। कभी कभार लोग क्या करता है, देखो दिमाग का तेज तो है ही, कभी कभार बुलडोजर लाके उसको गिरा देगा। क्यों? इसमें वर्ड एक जगह लिखा होता पीसफुली, तो वो पीस बिगाड़ के चला जाएगा। हाँ मतलब इंटरप्शन कर दिया बीच में, थोड़ा बहुत करके चला गया, बीच में थोड़ा बहुत केस डालेंगे छोड़ देंगे, तो इसका मतलब वो क्या दिखाएंगे कोर्ट में? हमने इंटरप्ट किया था पर हमारी बात नहीं माना। नहीं समझे आप? सुना है इसे, तुमने सुना होगा बुलडोजर उलडोजर, बीच बात में कभी ना कभी तुम देखोगे सरकार की तरफ से आएगा, थोड़ा बहुत एक दो बिल्डिंग गिरा के चला जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? वो जो पीसफुली वाला वर्ड है उसको काट रहे हैं वो, क्योंकि अगर पीसफुली 30 साल तक रह गया तो सरकारी जमीन किसकी हो जाएगी? उस आदमी की हो जाएगी। नहीं समझे आप? तो ये बड़ा अजीब सा सेक्शन है। इसने क्या बोला? अगर देखो क्या क्या चीजें, बोलो जल्दी क्या क्या है, लाइट एयर वे वाटर कोर्स यूज ऑफ वाटर और एनी अदर इजमेंट। इजमेंट मतलब एंजॉयमेंट, जो एंजॉयमेंट की चीजें होती हैं, अगर किसी ने उसको एंजॉय किया पीसफुली विदाउट इंटरप्शन कितने साल तक? 20 साल तक, तो याद रखना उसका राइट बन जाएगा। अच्छा बताइए, ओनरशिप बाय टाइटल है या ओनरशिप बाय पजेशन हो गया? तो इसका मतलब आपको बीच में थोड़ा सा उसको परेशान तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर गया। ऐसे आज की दुनिया में कौन रास्ता देता है? और रास्ता देता है तो पूरा लिखवा के देता है, नहीं? दिल्ली उल्ली में तो मुश्किल ही है, पर गांव सब में बहुत जमीन ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके जमीन पर रास्ता से लोग चल रहा 20 साल 30 साल तक, बस के बाद वो रास्ता उसका हो जाता है। उसका मतलब अब आप उसको रास्ता को टच नहीं कर सकते, उसको रास्ता देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये कहानी है। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ।